गुड इवनिंग एवरीबडी, मेरा नाम निनाद है, मैं पुणे से हूँ, 21 साल का हूँ एंड लाइक यू गाइस आई एम एन आर्मी ब्रैट। निनाद, आप अपने माँ बाप से नाराज क्यों हो? इन द वे दे ब्रॉट यू अप एंड यू रिटर्न योर फॉर्म, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सीन सर ये है कि मैं बचपन से सर मेरे एक सपना था दैट आई शुड प्ले क्रिकेट फॉर माई कंट्री। ठीक है। बचपन से आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट बट माई पेरेंट्स नेवर सपोर्टेड मी, नेवर। मतलब कहते कि हाँ खेल ले, इसमें क्या ही होगा तेरा, मतलब। But actually, आवी पेरेंट्स, यू प्लेस लाइक एवरीबॉडी एल्स। नहीं, उन्होंने गलत तो नहीं कहा ना? नहीं, गलत तो नहीं कहा सर, बट क्योंकि अगर आपको खेलना ही होता तो आप अभी तक खेल चुके होते। आई एम नॉट डिनाइंग दैट सर, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बेकार खेलता था, मैं काफी अच्छा खेलता था। आई शुड प्ले फॉर माई क्लब, आई वॉज इवन इन द महाराष्ट्र अंडर 16 का स्टेट का कैंप लगता है सर। मैंने अपना 100% दिया, बट सबसे बड़ी जिंदगी की मेरी मिस्टेक है 11वीं 12वीं साइंस उठा ली मैंने। ठीक है, वो नहीं हुआ सही। ठीक है, वहाँ होगी थोड़ा पोपट हो गया मेरा बस, और क्या मतलब फिर। बट स्टिल आई ट्राइड, बट माई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम माई पेरेंट्स वर, मम्मी कहती है ना कि मतलब मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ, तब क्यों नहीं पढ़ा? सिंपल सी बात है ना, तब क्यों नहीं पढ़ा मेरा दिमाग? So, but I don't blame them also because I am the elder one. I'll tell you what, when you excel at sports, when you really excel, फिर parents की बत्ती जगती है, but बहुत ज़्यादा excel भी करना पड़ता है, doesn't matter. ये तबला बजाता है ना तू? हाँ जी मैम। तो क्या आगे क्या बोलने वाला था? मैम मैं तबला बजाने से पहले पहले तबला बोल के I want to recite the verses because let's go, let's go I think it. that I can do that much better. ठीक है। धा दिन दिन धा धा धिन धिन धा धा तिर कड़के धिर कड़के धा तिर कड़के तुन्ना कड़के ता तिर कड़के तिर कड़के धा तिर कड़के धिन्ना कड़के धा तिर कड़के धिर धिर का धा तिर कड़के धिर कड़के धा तिर कड़के तुन्ना कड़के धा तिर कड़के धिर का एक धा तिर कड़के धिर कड़के धा तिर कड़के तुन्ना कड़के धा। बस इसका बहुत अच्छा रिमिक्स बनेगा, मेरा एक दोस्त बनाएगा। इट्स अ गुड। हां या ए रोडीज पे क्यों आए हो? रोडीज का क्या सीन है सर, बचपन से मेरे सिर्फ दो सपने थे। One was to play cricket for my country, and second was to do roadies. I know how it feels when you give up on one of your dreams. Now I want to feel what happens when you don't. चले जैकेट उतार दे, जैकेट। रोप को पकड़ ले। रोप को पकड़ के करना है? घंटी। घंटी, घंटी मारनी। घंटी बजा दे। चल चल चल। 3, 2, 1, go fast. Yeah, use your feet more than your arms. Yeah. Ah. More than your arms. You're still using your arms. पैर पे खड़ा हो जाना, पैर अड़ा और खड़ा हो, ऊपर सीधा कर अपने पैर, पैर सीधा कर। हाँ, नाइस। Oh my god, just swing, swing, swing it. Get it swing done. Towards it. Swing towards it. Come on, swing. Oh. Oh. Are you okay? मुझे तो नहीं पता क्या दिखाना था। सपना देखते हैं ना जब, तो सपना पूरा करने के लिए ना उसके लिए काम भी करना पड़ता है, और ये अभी 10% भी नहीं है एक टास्क का। तुझे पता था कि तू एक ड्रीम पूरा नहीं कर पाया क्रिकेट का? हाँ, तो तुझे पता था रोडीज में आ सकता है, पर तूने फिर भी उसके लिए तैयारी नहीं करी? नहीं सर, नहीं करी भाई। अच्छी बात है। गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि तुम बोलते हो कि सर मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, मैं टीम में देखता हूँ लोग गिव अप कर देते हैं, लोग भी गिव अप नहीं करते, ये हाल होता है उनसे दोबारा होता नहीं। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि जब ऐसा लग रहा था कि नहीं होगा, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ट्राइंग। You want to try one more time? हाथ पंप हो चुके हैं उसके। हाथ पंप है ना? पंप हो गए सर मैं। ला मैं कर दूँ ठीक। एक मिनट से खड़ा नहीं हो जाएगा। Have you ever climbed? पूरा किया। You climb with your feet. Here there are these things there for you. If you keep your hands on top, no blood circulation there. You keep them here. Then you keep them as close as you can.
to your shoulders and you climb. Climb with your head. Don't climb with your arms. Yes. If you're getting angry, na, use it. Use the anger. Is pe rakh pair. Pair rakh. हाँ चल अब खड़े हो. They will freeze up after that. Your legs are your only hope. खड़े हो. चल ज़्यादा ऊपर मत लेके जा arms. उसके ऊपर खड़े हो. हाँ. छोड़ पिछले वाले. चल और ऊपर जा. चल खड़े हो. उस पे खड़े हो. अपनी legs पे. हाँ. दोनों के साथ खड़े हो जाओ ऊपर. चल. जल्दबाजी मत कर. चल खड़े हो. हाँ इस. हाँ खड़े हो जा इससे. घुटने सीधे कर. घुटने सीधे कर. अब एक पैर ऊपर. एक पैर ऊपर रख. हाथ ऊपर और ले. हाथ और ऊपर ले. पहले पहले हाथ और ऊपर ले. नहीं हाथ पहले ऊपर ले. हाथ ऊपर से इज गोइंग टू नाउ ही हैज टू एक्सटेंड एंड देन ब्रिंग योर नीज अप. नाउ ब्रिंग योर नीज अप टू द नेक्स्ट नॉट. नीज अप. नीज अप. नीज अप. नीज अप. नीज अप टू द नेक्स्ट नॉट. क्या कर रहे तू? आपने पूरा टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट कर रहा है. गुड गुड. चल 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 चल. ना 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 ना. घंटी बजा साइड में ही है. ओह यस. कहाँ चढ़ रहा है? गुड जॉब. गुड. वेरी नाइस. क्वेश्चन नंबर 7 है एक. आपने कुछ इनजस्टिस अब्यूज कुछ एक्सपीरियंस किया लाइफ में. आपने इसका जवाब लिखा है. हाँ जी. यू वांट टू से व्हाट हैपेंड? हाँ. क्या हुआ था? तो सर ये था सीन. मैं पुणे में रहता था. आई वाज इन 7th या 8th स्टैंडर्ड. मेरे नेशनल्स मुंबई में थे. तो सिंस आई वाज अ किड द पर्सनस नेम दैट द पर्सन हु इज देयर जिनका मैंने नाम लिखा हुआ है जिनके वो मेरे साथ 4th स्टैंडर्ड से थे. मैं उनके साथ खेला है कूदा सब किया है. तो नेशनल्स का रेस था मेरा. आई केम बैक एंड आई हैड अ स्प्रेन ऑन माय थाई. तो उसने बोला तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैं इधर तेरे को थोड़ा सा तेल लगा देता हूँ, मालिश कर देता हूँ. इधर लाइट ऑफ कर दी. धीरे धीरे ही स्टार्टेड क्रीपिंग अप अ लिटिल बिट रीचिंग टू अ स्टेज वेर ही वॉज फीलिंग माई. और मैंने बोला भाई ये गलत है. मैंने बोला आप जाओ, मैं जा रहा हूँ. और मैं भागा और मैंने सीधा मम्मा को कॉल किया. मैंने बोला माँ हैज़ दिस मैन गॉन मैड, ये ऐसे कर रहा है. माई फादर केम द नेक्स्ट डे. ही आस्क्ड हिम टू लीव इमीजिएटली. ही वाज सेंट बैक. बट इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था मेरे जिंदगी में. हुआ खत्म हुआ. आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज यू ऑल्सो फॉट इट देयर एंड देन. सर वही तो मैं बोल रहा. आई वॉज वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग. और ये एक चीज है जो आई मीन कूडोस टू योर पेरेंट्स कि उन्होंने तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंस दिया दैट यू फॉट बैक एट दैट व्हेन यू आर इन एट. सो वेरी प्राउड ऑफ यू. आई विश अ लॉट ऑफ पीपल गर्ल्स एंड बॉयज यंग जो बचपन में अगर उनको ऐसा गुड टच और बैड टच के बीच में एक अंतर पता लग जाए एंड दे कैन रिएक्ट एंड होपफुली गेट समबडीज अटेंशन. आई मीन इट बी नो रन जॉब कह रहे ना. ये फैमिली ग्रुप्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप अपने बच्चों को बिलीव करें. बहुत बार ऐसे होता है कि मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा. यू मस्ट बी इमेजिनिंग इट. नथिंग इज रॉन्ग एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग अ पेरेंट कैन डू. एग्जैक्टली. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर यू अदर पेरेंट्स. प्लीज डोंट वरी अबाउट फैमिली एंड लोग क्या सोचेंगे. एंड इट्स अमेजिंग दैट यू कॉल्ड इट आउट बिकॉज यू हैव द अवेयरनेस एंड यू हैड द एजुकेशन. रियली ब्रेव ऑफ यू टू टॉक अबाउट इट. बट ऑल्सो आई वॉन्ट टॉक टू दैट निनाद फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड. वेरी प्राउड ऑफ हिम. एंड यू नो लाइक हम हमेशा ये कहते हैं कि अब 2020 रोडीज रेवोल्यूशन है, आवाज़ उठाओ. एंड द पॉइंट इज यू हैव अ वॉइस, मेक इट काउंट. या दैट्स व्हाट. इफ यू कैन मेक अ वॉइस वी विल हेल्प यू गेट अ बिगर वॉइस. वी विल एम्प्लीफाई योर वॉइस. यस वी विल. थैंक यू. वी विल एम्प्लीफाई दैट वॉइस. ओके.